बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल से है। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दी पोर्शन ऑफ दी स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई बिटवीन दी प्लेन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हुए इस स्फीयर का, तो सबसे पहले तो स्फीयर के पोर्शन का हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई इस फार्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे ताकि ये पता हो जाए इसका सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है और इसको हमें ट्रेस करना आसानी हो जाए ताकि हम लिमिट को समझ सकें क्या है। वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो बचेगा इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करने के बाद। अब यहाँ पर हम वाई के टर्म को कलेक्ट करना चाहते हैं, एक ही इसमें लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें ऐड करना होगा इसमें उमर खयाम का मेथड यूज़ करते हुए वाई जो है स्क्वायर है तो उसका कोफिशेंट जितना भी उसका हाफ़ का स्क्वायर दोनों साइड लेफ्ट में और राइट में ऐड कर देंगे यहाँ पर हम। और यहाँ पर जब हमने दोनों साइड यहाँ पर ऐड किया है तो इससे ये तीनों टर्म मिल के होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे। वाई माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी वो ये सर्कल है जिसका सेंटर ज़ीरो कमा ए कमा ज़ीरो है और इसकी रेडियस ए है। तो यहाँ पर हमने एक्स को लिख दिया एक्स माइनस ज़ीरो और जेड को लिख दिया जेड माइनस ज़ीरो, इससे पता चल गया इस स्फीयर का जो सेंटर है वो ज़ीरो कामा ए कामा ज़ीरो है, ए कामा ज़ीरो और इसकी जो रेडियस है वो भी हम लोगों को मालूम हो चुकी है ए के बराबर है। इसको इस स्फीयर को अगर हम ट्रेस करेंगे तो यहाँ पर पहले इसको बना लेते हैं हम। तो माना कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन। वाई एक्सिस पर ये पॉइंट होगा ज़ीरो सेंटर ऑफ स्फीयर ज़ीरो कामा ए कामा ज़ीरो और ए ये डिस्टेंस है तो ये इसकी रेडियस भी है। यहाँ से ये जाएगा स्फीयर, थ्री डायमेंशनल है ये होता है स्फीयर मालूम है हम लोगों को। और इसको एक दो प्लेन यानी एक तो ये प्लेन वाई इजिकल टू ज़ीरो जो कि जेड एक्स प्लेन होता है उसके और जेड इजिकल टू वाई इजिकल टू ए जो कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन होगा और इसको जब कट करेगा तो जिस तरीके से एक तरबूज होता है उसको कट करते हैं वाटरमेलन को कट करते हैं तो हमें एक नज़र आता है सर्कल, तो इस पेयर को कट करेंगे तो सर्कल मिलेगा और सर्किल की रेडियस भी चूँकि ये ग्रेट सर्किल है तो इसलिए इसकी रेडियस वही होगी जो स्फीयर की रेडियस है मींस ए होगी। ये सेंटर है जो कि यहाँ पर लिख दिया था हमने, इसकी रेडियस ए है और ये हेमी स्फीयर होगा और आपको अब इसका वॉल्यूम भी पता चल चुका है, रेडियस ए है तो टू पान थ्री पाई ए क्यूब इसका वॉल्यूम होगा, इस तरीके से होगा। ये सेंटर है और इसकी रेडियस ए है। अब यहाँ पर अगर हम इस ओरिजिन को ही पोल मानेंगे यानी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर चेंज करते हैं तो हमारे लिए ये दिक्कत हो जाएगी। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में अभी चेंज करते हैं हम इस सर्किल के इक्वेशन को जो हमने पहले भी इसको सॉल्व किया था तो उसमें इस तरीके से आ गया था, लेकिन हमें कोई फ़ायदा इससे नहीं मिलना है क्योंकि पहले तो हम बता दें इसको किस तरीके से चेंज किया, ये इक्वेशन आ गया था हमारा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जानते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और जेड इक्वल टू आर
आर कोसीटा, ये स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। इसको हमने ये स्पेरिकल इक्वेशन में जब रखा, और आप इसको हम डिटेल में तो नहीं बताएंगे, तो आप इसको स्क्रीन जो वीडियो चल रहा है इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। और इसको जो हमने सॉल्व किया तो इसका जो सर स्फीयर का इक्वेशन आर इक्वल टू 2a साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, लिमिट के हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये स्फीयर का इक्वेशन है। अगर हम इसको पोल मानते हैं तो हम जो इसको पोर्शन सेगमेंट में एलिमेंट्री सेगमेंट में इसको हम इसको कहना चाहिए स्लाइड लेंगे, तो जो इसका आखिरी होगा मतलब जो शुरुआत जहाँ से होगी वो तो हमारा पोल हो जाएगा, लेकिन लास्ट जो होगा कहीं पर तो ये स्फीयर पर ख़त्म होगा, और कहीं पर ये जो सर्किल आपको नज़र आ रहा है ये प्लेन है वो प्लेन पर ख़त्म होगा। फिर इसमें आर की वैल्यू जो है वो चेंज यहाँ तक इस पॉइंट सीधे आएंगे तो फिर ये ए होगा, नहीं तो ये ई आर की वैल्यू भी चेंज होगी। हालांकि स्फीयर पे होंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्योंकि स्फीयर का हमें इक्वेशन यहाँ पर मिल गया इसकी लिमिट रख दी जाएगी, लेकिन सारी जो एलिमेंट्री कहना चाहिए कि सेगमेंट है वो स्फीयर पे नहीं ख़त्म होंगी, वो कुछ यहाँ पर इस प्लेन पर आगे ख़त्म होंगी, तो फिर इसका नेचर यानी चेंज होगा। और नेचर हालांकि इक्वेशन ऑफ प्लेन भी हम लोग उसको पोलर फॉर्म में बदल के इसकी लिमिट को लिख सकते हैं आर की, कि यहाँ से ज़ीरो शुरू हो रहा और एक बार इस पे, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि हमारा किस पोर्शन के लिए इस पोर्शन को कैसे सेलेक्ट करें, और बाकी इसके बाद जो हेमी स्फेरिकल बचा हुआ है जो इसका बाउंड्री है तो उसको कैसे सेलेक्ट करें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उससे निपटने के लिए हम इसके जो ओरिजिन है उसको चेंज करके यानी शिफ्ट कर देंगे सेंटर ऑफ स्फीयर पर। तो उसके लिए हमें जो ये पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं उनको नए कोऑर्डिनेट सिस्टम से चेंज करना होगा। पुराने तो ये एक्स स्मॉल वाई और स्मॉल जेड है, तो हम जो नए हैं उसको कैपिटल में ले आएंगे इस तरीके से कि ये इसका जो सेंटर है वहीं पर आ जाएगा स्फीयर, यानी ये कह सकते हैं कि जो सेंटर है सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो सेंटर बनाने के लिए हमें इस तरीके कोऑर्डिनेट लेना होंगे, यानी स्मॉल एक्स की जगह पर मान लेंगे कैपिटल एक्स, यानी ज़ीरो माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पर सॉरी कैपिटल एक्स यहाँ पर एक्स माइनस ज़ीरो कर सकते हैं, और कैपिटल वाई यानी स्फीयर का हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगा इसको हम कैपिटल एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, उसको जेड मान लें। तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस ज़ीरो और कैपिटल वाई की वैल्यू स्मॉल वाई माइनस ए, और कैपिटल जेड की वैल्यू जो होगी वो जेड स्मॉल जेड माइनस ज़ीरो। तो इसमें अगर हम इतना रख लेंगे तो हमको जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा, जहाँ पर हमने सेंटर को शिफ्ट कर रखा है वहाँ पर उसका इसका जो है ओरिजिन न्यू ओरिजिन हो जाएगा। तो इसलिए हम तो यहाँ पर लिख देंगे चेंजिंग ओरिजिन टू फ्रॉम ओ टू सेंटर ऑफ स्फीयर सी, जिसके कोऑर्डिनेट ज़ीरो कामा ए कामा ज़ीरो हैं, और इसलिए हमें पुट करना होगा पुटिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू हमने पहले लिख दी वाई की और जेड की वैल्यू इन इक्वेशन वन वही इक्वेशन है जो भी हमने लास्ट में इक्वेशन फाइंड किया है स्फीयर का, जैसे इक्वेशन नंबर वन डाल दिया। तो ये स्फीयर का इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इसका सेंटर जो होता है वो ओरिजिन होगा और रेडियस इसकी ए के बराबर है,
और ये सेंटर आपकी चेंज हो गया, लेकिन वो सेंटर एक्चुअल में यानी पुराने सेंटर से के रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट 0, A, 0 होंगे। और ये इस तरीके से बना तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमने जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है उसमें इसके पैरेलल जो है एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये स्मॉल एक्स था और स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, तो हमने अब जो है वो कैपिटल में यहाँ पर कैपिटल एक्स ले लिया ये, और ये ले देंगे कैपिटल वाई इस तरफ, कैपिटल वाई इसमें और कैपिटल जेड यहाँ से इसके पैरेलल होगा कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल जेड, और कैपिटल जो वाई होगा वो भी वो तो इसी वाई के इसमें रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस ही हो जाएगी ये, जो कि ओरिजिन से सॉरी सेंटर ऑफ सर्किल स्पेस से पास होगी। अब इस का जो इक्वेशन स्फीयर का ये आ गया है, तो इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं कि ये होते हैं, सिंस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और मतलब हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और स्फेरिकल में ये रिलेशन होता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड साइन फाई और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा इनटू साइन फाई और जेड की जो वैल्यू होगी आर कॉस फाई के बराबर होगी। अब इसको इस इक्वेशन में ये पुट करेंगे जो हमने ट्रांसफार्म कर दिया है न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी आर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई और कैपिटल जेड हैं सॉरी, इनकी वैल्यू रखेंगे तो आर कॉस थीटा इंटू साइन फाई का स्क्वायर इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर रहे हैं, प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे आर साइन थीटा इंटू साइन फाई इसका स्क्वायर और जेड की वैल्यू भी रख दें आर कॉस फाई और इसका स्क्वायर राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर है, इसको फिर होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर तो हो जाएगा सभी में तीनों में बाहर ले लेते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई और प्लस का कॉस स्क्वायर फाई इजिकल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू इन दोनों में से यहाँ से साइन स्क्वायर फाई को कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर फाई को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और प्लस का ये कॉस स्क्वायर फाई राइट हैंड साइड में हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो है वो वन के इक्वल हो जाएगी, तो फोर हम यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर फाई इजिकल टू ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू वन के इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर तो आर की वैल्यू ए के बराबर आ जाएगी, आर की वैल्यू ए आ जाएगी, एक स्फीयर का इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जबकि हमने पोल को इसके सेंटर पर ले रखा है। अब इस केस में हमें देखेंगे इसको अगर हम यहाँ पर बना दें तो थोड़ा समझना आसान होगा, यानी ये कंसीडर करें कि ये स्फीयर है सर्किल नहीं है, और बस ये ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ पर इसको कट किया है तो ये वाई बराबर ज़ीरो है, क्योंकि इन्होंने इसी का मांगा था वाई बराबर ज़ीरो और वाई इक्वल टू ए के बीच का पोर्शन, तो ये कट करेंगे तो एक सर थोड़ा बड़ा सा ले बना लें तो ताकि हम दिखा सकें, हालांकि समझने के लिए बना रहे इसको हम, तो एक सर्किल यहाँ पर नज़र आएगा और इसके इधर जो मिलेगा आधा वो हेमी स्फीयर होगा और इसकी
हमारे लिए आसानी हो जाए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन को नहीं, चूँकि ओरिजिन को यहाँ पर शुरुआत वाला लिया था, अब जो है ओरिजिन चूँकि हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया सी पर, और कैपिटल वाई एक्सिस ये है और कैपिटल जेड एक्सिस ये है, और एक्सिस को हमने यहाँ पर लिया है और पोर्शन लेकिन हमें वही कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है थीटा जो होता है वो एक्स एक्सिस से और वाई की तरफ जो एंगल बनता है वो होगा, हालांकि वॉल्यूम दोनों का सेम होगा लेकिन एंगल अगर हम इसको एक्स एक्सिस से वाई की तरफ लेंगे तो एंगल थीटा, और ये थीटा की वैल्यू जो होगी इसको अलग से निकाल के देखें, जैसे कि हमारा ये हेमिस्फीयर है ये वाला पोर्शन, इसको अगर हम देख रहे हैं कि वाई जेड प्लेन से अगर कट करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पर दो पार्ट में ये बढ़ जाता है, और यहाँ पर अगर एक्स वाई प्लेन से कट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो इस तरीके से चार इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, तो उनको जो है अब इसको इससे मिलाएं अगर हम, तो हमारा जो एक्स एक्सिस है एक्चुअल में ये हमारा सेंटर ऑफ स्फीयर है, और एक्स एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है ये, और ये ऊपर हो जाएगा जेड एक्सिस, और यहाँ से जा रहा है हमारा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ऐसे जब जाएगा तो ये देखने की चार पोर्शन, जैसे कि अभी बताए थे फोर पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। तो हम अगर इसको एक पोर्शन की अगर बात करें तो थीटा की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस से नापी जाएगी, और ये इस फर्स्ट की बात करें तो ये चेंज होगा, थीटा की वैल्यू पाई बाई टू तक चेंज होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक अगर हम ऑक्टेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू तो जीरो से पाई बाई टू तक हो जाएगी, और फाई जो होता है वो जेड एक्सिस से नापा जाता है, और उसकी वैल्यू भी जो है इस प्लेन तक एक्स वाई प्लेन तक जो होगी 90 डिग्री तक ही होगी, यानी यहाँ से थीटा इक्वल जीरो से लेके पाई बाई टू तक ही होगा, और जो भी हम सेगमेंट यहाँ पर बनाएंगे वो सभी की जो शुरुआत होगी वो स्टार्ट होंगे ओरिजिन से, यानी पोल से सी से माना था हमने इसको, और सभी ख़त्म होंगे इस सर्कल पे जिसका इक्वेशन आर इज़ इक्वल टू ए है। अब हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया है यानी ओरिजिन को शिफ्ट किया है तो उससे स्फीयर के वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम ऐसा चेंज कर सकते हैं और दोबारा वापस करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वॉल्यूम निकल आएगा और वो कांस्टेंट होगा, इसलिए उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अब हम वॉल्यूम के लिए फार्मूला लिख देते हैं, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू बस हम एक का निकालेंगे और ये चार हैं उनका करने, चारों को निकालने के लिए फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख देंगे द रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो बस इसके बीच में घिरा हुआ है, क्योंकि ये प्लेन वाई इजिकल टू ज़ीरो बराबर स्मॉल वाई इजिकल टू ज़ीरो के बराबर और वाई इजिकल टू ए के बीच का पूछा गया था, वो यही पोर्शन है जो हमने भी चारों यहाँ पर पार्ट करके दिखाए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम होगा वो फोर टाइम्स हो जाएगा, इसमें जो लिमिट वैसे हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का फार्मूला, तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, लेकिन जो हमें इसको कन्वर्ट कर लिया है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू होती है आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई ये होता है। तो यहाँ पर सभी की लिमिट भी रख दें, और सबसे पहले तो अंदर वाला ये डी आर है तो आर की लिमिट ज़ीरो से लेके, क्योंकि सभी शुरुआत होंगी सी से और सभी ख़त्म होंगे इस स्फीयर के सरफेस पर, तो इसलिए और वहाँ पर इसका इक्वेशन आर इक्वल टू ए है, और यहाँ पर बाकी थीटा और फाई दोनों की वैल्यू ही
पहले यहाँ पर फिर थीटा की वैल्यू रखेंगे, ज़ीरो से लेके पाई बाई टू तक चेंज हो रही है जैसे डिस्कशन हो चुका है, और फाई की वैल्यू भी ज़ीरो से लेके पाई बाई टू तक ही चेंज होगा। अब फिर हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4 बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर इंटीग्रेशन के जो साइन है फाई इज इक्वल टू ज़ीरो से पाई बाई टू और थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो से पाई बाई टू लिख दें, और साइन फाई को यहाँ पर इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लें क्योंकि ये आर के लिए है, तो साइन फाई बाहर हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर का हमें इंटीग्रेट करना होगा, आर इक्वल टू ज़ीरो से ए के बीच में आर के रिस्पेक्ट में करना होगा, बाकी आप डी थीटा और डी फाई को एज इट लिखा रहने दें। और आर स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4, तो इसको यहाँ पर हम बाहर ही रखा रहने देंगे, और इधर फाई बराबर ज़ीरो से पाई बाई टू था और ऐसे ही ये थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो से पाई बाई टू था, और यहाँ पर इंटीग्रेट और साइन फाई यहाँ पर आ चुका है, और अब इंटीग्रेट किया था आर स्क्वायर का तो आर क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, यहाँ पर आर क्यूब बाई थ्री होगा और लिमिट इसमें 0 to a रखना होगी, डी थीटा और डी आर यहाँ फाई चल रहा था, 3 जो कि कॉन्स्टेंट है तो हम इसमें से इंटीग्रेशन के साइन से बिल्कुल बाहर आ जाएगा, यानी 4/3 आ जाएगा, और थीटा की फाई की वैल्यू 0 से लेके चल रही है पाई बाई टू, और थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई टू तक चल रही है, और साइन फाई यहाँ लिख दें, और अपर लिमिट यहाँ पर सिर्फ 3 बाहर हो चुका है, ओनली आर क्यूब बचा है, जिसमें अपर लिमिट पहले रखेंगे ए क्यूब माइनस फिर 0 रखेंगे, 0 का क्यूब हो जाएगा थीटा डी थी फाई, और चूँकि ये कॉन्स्टेंट है और ए क्यूब हो गया तो ए क्यूब को बिल्कुल बाहर ले लेंगे, 4/3 ए क्यूब आ चुका है ये, तो फाई की वैल्यू 0 से पाई बाई टू, और इसमें चूँकि ये थीटा के लिए है तो फाई भी यहाँ से बाहर आ जाएगा, उसके लिए कॉन्स्टेंट होगा ये, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा जिसको हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 और पाई के बीच में थीटा के रिस्पेक्ट में, और डी फाई ये लिख दिया तो 1 का इंटीग्रेशन तो थीटा हो जाएगा, 4/3 ए क्यूब फाई की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई टू तक साइन फाई, और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा थीटा और लिमिट 0 से पाई बाई टू, और डी फाई यहाँ पर लिख देंगे, ये कॉन्स्टेंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फाई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन फाई, अपर लिमिट पाई बाई टू हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, डी फाई ये पाई बाई टू को यहाँ से बाहर ले लिया जाएगा, 4/3 ए क्यूब इंटू पाई बाई टू को यहाँ से बाहर ले लेंगे, फाई की वैल्यू 0 से पाई बाई टू तक चलेगी, और सिर्फ हमें यहाँ पर साइन फाई का इंटीग्रेट करना पड़ेगा फाई के रिस्पेक्ट में, जो कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स 2/3 पाई ए क्यूब आ गया, ये पाई पहले दिया ए क्यूब, और यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस का होता है कॉस फाई, और लिमिट इसके 0 से पाई बाई टू हो जाएगी, यानी फाई की वैल्यू अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो अगले स्टेप में 2/3 पाई ए क्यूब अपर लिमिट जहाँ पर भी नज़र आएगा फाई, वहाँ पर अपर लिमिट पाई बाई टू रखेंगे माइनस लोअर लिमिट फिर 0 रखेंगे, तो 2/3 पाई ए क्यूब ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 90 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 पाई ए क्यूब और ये प्लस का 1 हो जाएगा, इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 2/3 पाई ए क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वा आखिर दाबा ना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।